आपने 14 फरवरी बताया ना, आज दो ठोटे हैं, तीन ठोटे हैं, ये कौन सा डे तीसरा है जो मेरे को मालूम नहीं चला? ठीक है, सुनिए पहले आपको, ठीक है, तो बाकी डे के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, एक छोटे के बारे में आप लोग नहीं जानते, वो मैं जानता हूँ, ठीक है, एक छोटे के बारे में आप नहीं जानते, उसके बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है, इसलिए वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, 14 फरवरी माने वैलेंटाइन डे, मालूम आपको, सच में नहीं जानते ना, हाँ ये मैं जानता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए बात ऐसा है कि भारत देश में 14 फरवरी को न जाने कितने खर्चे होते हैं, फिजूल का खर्चा, अब न जाने किस लिए जी। थोड़ा सा जब मैं इतिहास जानने का कोशिश किया कि आखिर इसके पीछे का टेक्नोलॉजी और साइंस क्या था, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का पता नहीं, लेकिन इतिहास कुछ ऐसा था कि लोगों का दिमाग खराब हो गया है, मुझे ऐसा लगने लगा, ठीक है। तो क्या था जी वैलेंटाइन डे, तो रोम एक तो कंट्री, क्या करिए आप, हाँ हाँ दूसरे देश का है, तो रोम एक नाम, रोम नाम का एक देश था, वहां पे एक पादरी हुआ करता था चर्च का, पादरी मतलब पुजारी, ठीक है, तो वैलेंटाइन नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था रोम में, जो चर्च में पादरी था, ठीक है, और वहां पे रोम में एक राजा भी था, उस राजा का नाम था क्लॉडियस, बड़ा क्रूर राजा था, ठीक है, मारपीट लूट खसोट, मतलब क्रूर राजा था वो क्लॉडियस रोम का, ठीक है। तो लगभग 4वीं शताब्दी का अंतिम चल रहा था और 5वीं शताब्दी का शुरुआत चल रहा था, तो जो पादरी थे वैलेंटाइन, वो कुछ भारत के सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि यूरोप के सभ्यता में सुबह तक कोई आया है या आई है, शाम तक चली जाएगी, शाम तक कोई आया है या आई है, सुबह तक चला जाएगा या चली जाएगी, मतलब ये है कि भारत देश में शादियां करके रहते हैं, शादी करके रहते हैं, ठीक है, लेकिन यूरोप में ऐसा कुछ नहीं है जी, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, सुबह तक कोई आया है चाहे आई है, शाम तक चली जाएगी, ठीक है। यही भारत देश, भारत कह रहा हूं, यूरोप का कल्चर रहा है, यूरोप के कल्चर में स्त्रियां जो हैं वस्तु के जैसा है, आपको शायद जान के आश्चर्य होगा पर यह सत्य है, यूरोप के सभ्यताओं में महिलाएं वस्तुओं के जैसा है, क्या चीज, हाँ मैं यूरोप का बात कर रहा हूं अभी, अब जो भी हो तो यूरोप का सभ्यता में यही है। तो आपको मालूम है स्त्री मुक्ति अभियान जैसा कुछ हुआ था, फ्रांसीसी थी कोई सिमोन द बवुआर जिसने किया था आंदोलन वगैरह, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता अभी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा उनका सभ्यता है कि सुबह तक आई है चाहे आया है, शाम तक चली जाएगी, ठीक है, तो ये टिकते नहीं जी, ठीक है, ये आपस में एक जगह नहीं रह सकते, ये टिकते नहीं, ठीक है, इनका आदत है मुंह मारने का, ठीक है। मैं भारत के नजर से सरल सभ्यता में कहूं तो कुत्तों के जैसा, कुत्तों का संस्कृति, ठीक है। तो हुआ क्या जी, जो पादरी थे वैलेंटाइन थे वो भारत का अध्ययन कर रहे थे, तो उनको पता चला कि भारत देश का सभ्यता ऐसा है, कल्चर ऐसा है, लोग शादी करके रहते हैं, ठीक है। तो वैलेंटाइन क्या करना शुरू किए, बोले कि जी आप भी इस सभ्यता का अनुकरण करो, ये सभ्यता बहुत अच्छा है, शादी करके रहो, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि चर्च गांव गांव जाते, नगर नगर जाते, लोगों को प्रेरित करते इस सभ्यता के प्रति, इस सभ्यता के प्रति लोगों को जागरूक करते कि शादी करके आप रहो, लिविंग में नहीं रहने का, ठीक है, ये सही नहीं है, ऐसा वो बताते थे और चर्च में शादियां कराया करते थे वैलेंटाइन। तो ये क्लॉडियस को मालूम पड़ा, तो बोला ये क्या असभ्यता फैला रहा है, हमारे सभ्यता का खिलाफ काम कर रहा है ये हमारे सभ्यता में तो होता नहीं है शादी विवाह वगैरह, हमारे सभ्यता में तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए हटाओ इसको। तो क्लॉडियस जो है वैलेंटाइन को बुलाया, सॉलिड धमकी दिया, ऐसा नहीं करने का,
लेकिन जो क्या नाम था उनका, वैलेंटाइन थे, वो भी अपने ही, मैं झुके का नहीं, ठीक है, वो भी वैसे ही थे, मैं झुके का नहीं, ठीक है, तो भी बोले मैं झुकूंगा नहीं, छोड़ दिया क्लॉडियस, ठीक है, ये झुके नहीं, अपना काम बंद नहीं किए, शादियां कराते चले गए। क्लॉडियस का दिमाग खराब हो गया, खिसका माथा, बोला है ये हिम्मत, इधर का राजा मैं, तू किधर से आया। तो हुआ ये कि जितने लोगों का शादी वगैरह कराए थे वैलेंटाइन, सामूहिक रूप से 14 फरवरी 498 को वैलेंटाइन को फांसी दे दिया क्लॉडियस ने। जब फांसी दे दिया क्लॉडियस ने वैलेंटाइन को, तो फिर वैलेंटाइन ने जितने लोगों का शादियां कराया था वो सारे लोगों को अफसोस हुआ, ठीक है, दुख हुआ। तो जितने लोगों का शादियां वैलेंटाइन ने कराया था वो सारे लोग वैलेंटाइन के याद में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिए। पर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि हमको कुछ नहीं समझता, बस शुरू कर दो जी फोटोकॉपी करना, फोटोकॉपी करना, कॉपी करना हमने शुरू कर दिया। वैलेंटाइन थे वो हमारे ही सभ्यता का तो प्रचार कर रहे थे ना, लेकिन हमें हमारा सभ्यता खराब लगने लगा, हम वैलेंटाइन डे के नाम पे कुछ और करने लगे। यही वैलेंटाइन डे का सत्य है जो आज हर युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, पर अफसोस है कि युवा पीढ़ी कुछ कहीं और ही है, उसको कुछ और ही समझ में आ रहा है। आपको मालूम है एनिवर्सरी वगैरह का क्या चक्कर है, मैरिज एनिवर्सरी? यूरोप का सभ्यता है जी कि वो एक साथ रहते नहीं है, शादी हुआ 2 महीने में भाग गए, 4 महीने में भाग गए, 6 महीने में भाग गए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब साल भर तक टिक गए, आपस में रह गए, ठीक है, तो साल भर के बाद लोग विश करते हैं उनको कि बधाई हो, आप साल भर एक साथ टिक गए, इसीलिए बोलते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी या फिर जो भी हो। तो उनके यहां समस्या है कि वो टिकते नहीं जी आपस में, तो टिक गए अगर साल भर रह गए तो एनिवर्सरी मनाते हैं। अब हम मूर्खों के मूर्ख, मूर्खाधिराज बन गए। हमारे यहां ऐसा कुछ है नहीं, हमारे यहां तो मान्यता यह है कि जी अब 7 जन्मों का बंधन है, तो हम जो है उनका सभ्यता ले लाए भारत देश में और एनिवर्सरी मनाना शुरू कर दिए। क्या ये मूर्खता है? आपको लगता नहीं कि ये मूर्खता है? तो यही एनिवर्सरी का सत्य है, लेकिन भारत के जो लोग हैं ये कुछ नहीं समझते, बस फोटोकॉपी करना शुरू कर दो। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, हम बगैर अकल के, बगैर सोचे समझे कॉपी करना शुरू कर दिए जी। उनका जरूरत है, वो आपस में नहीं टिकते इसलिए मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, हमें क्या जरूरत है जी? हमारे पास ऐसा थोड़ी है कि जी कल को ये चली जाएगी मैं चला जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। हम तो शादियां करके रहते हैं साथ में, हमारे यहां समस्या नहीं है, तो हमें क्यों मनाना चाहिए एनिवर्सरी? मूर्खता मुझे तो पूरा लगता है। तो ये है जी वैलेंटाइन डे, एनिवर्सरी, इन सब का सत्य। ऐसे ही न जाने वेस्टर्न सभ्यताओं में कितने चीजें हैं जो हमने कॉपी कर रखा है। अब सभी का वर्णन करूंगा 2-3 घंटे लगेगा, मैं नहीं चाहता मेरा समय बर्बाद हो।